कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की, जिससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर, और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का हमारे आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के दिन में प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है, और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, दो दो फ्लाइट खड़ी थी, 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए, आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी और गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कप्पा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक एक आवास है, 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई खड़ी करने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया बेटा, मैं भी आनंद होकर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार होता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा होती है। और यह आवाज उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा, मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतरण से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में ना सौकर पहले गरीब के साथ खड़े हो गए, पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, तमाम वर्गों के आधार पर बांटते थे, लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये डबल
जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।